स्टूडेंट क्लासरूम एस्केप। हरिद्वार नाम का एक गांव था। उस गांव के मुखिया का बेटा था राकेश। वो बिल्कुल बुद्धू था। स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे उसके समझ में बिल्कुल नहीं आता था। इतना ही नहीं, उसका जब भी जी चाहता था तब वो स्कूल जाता था। सब टीचर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन उस स्कूल में विजय नाम का एक टीचर आया। वो बहुत सख्त था। विजय क्लासरूम में गया और वहाँ बेंच पर बैठा राकेश को विजय ने देखा। क्यों सर जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या अभी आपकी क्लास शुरू नहीं हुई? ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। सर, इसे देखकर आपको गलतफहमी हो गई है। इसकी उम्र ज्यादा है सर, लेकिन ये हमारे क्लास में ही पढ़ता है। हाँ, हर क्लास में 3-3 साल पढ़ता है सर। वैसे ये हमारे सरपंच का बेटा है। पढ़ाई से कई ज्यादा इसे जुआ खेलना, सड़क पर जाते हुए लोगों को परेशान करना, ऐसी चीजों का बहुत शौक है सर। इतना ही नहीं सर, अगर कोई इसे कुछ कह दे तो उसे बहुत गालियाँ देता है सर। अरे, क्या ये लड़की सच कह रही है? तुम यहाँ स्टूडेंट हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गधे की तरह बड़े हो गए हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस साल तुम्हें 10वीं पास करना होगा, वरना तुम्हारी खूब मरम्मत करूँगा मैं। अरे 10वीं होगा नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं। तुम क्या उखाड़ रहोगे, क्यों रिंग मास्टर? तब विजय को बहुत गुस्सा आया। उसने राकेश को मुर्गा बनाया और उसके बाद उससे उठक बैठक कराया। ये देखकर राकेश विजय का क्लास शुरू होने से पहले वहां से भागने लगा। तब एक दिन विजय गांव के मुखिया के घर गया और उसने राकेश की शिकायत की। हाँ मास्टर जी, थोड़ा बहुत इसमें मेरी भी गलती है। बिन माँ का बेटा था तो इसे बहुत लाड़ प्यार से पाला। ऊपर से ये राजनीति के कारण मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। आपको जो करना है करिए, उसे सही रास्ते पर लाइए। विजय ने ठीक है कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन क्लासरूम से राकेश को जाते हुए विजय ने देखा। वो भी उसके पीछे पीछे डंडा लेकर गया। वहां एक पेड़ के नीचे राकेश को जुआ खेलते हुए देखकर विजय ने सबको डंडे से खूब मारा। वो मार ना सहकर सब एक एक दिशा में भाग गए। यूं हर रोज विजय राकेश के पीछे जाता, चाहे वो ढाबे में बैठा हो, चाहे जुआ खेल रहा हो या लोगों को सड़क पर सता रहा हो। वहाँ जो भी बैठा होता सबको मारने लगा। तब से कोई भी राकेश को अपने पास नहीं भटकने देता था। तब लाचार होकर राकेश स्कूल जाने लगा। एक दिन क्लासरूम में विजय राकेश से, क्यों रौडी राकेश जी, आज क्लास से बाहर नहीं गए? अरे कोई बात नहीं, मैं बोर्ड की तरफ मुंह कर लूंगा, तुम चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ। भाई आजकल तुम भागते नहीं हो, मजा नहीं आ रहा। मैं बाहर जाके क्या करूंगा, मेरे पीछे पीछे तुम आ जाते हो और मेरे साथियों को मारने लगते हो। अब तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी अपने पास नहीं भटकने देता। वैसे तुम स्कूल से कब जाओगे? क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? अरे मैंने कल ही इस गांव में घर खरीदा है। अब मैं जिंदगी भर इसी गांव के स्कूल में पढ़ाऊंगा और तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। चलो हम दोनों मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है ना? बाप रे, अब तुम इस गांव में रहोगे, वो भी जिंदगी भर? तो मैं जल्दी से 10th पास कर लेता हूँ। ये सुनकर क्लास में सब बच्चों ने ताली बजाई। उस दिन से राकेश क्लास में पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और उसने 10वीं पास कर ली। राकेश को सही राह पर लाने के लिए मुखिया ने और स्कूल के स्टाफ ने विजय की खूब प्रशंसा की।